अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? रमज़ान मुबारक। आज मैं जा रही हूँ PTV होम के रमज़ान शो में, अफ्तार शो जो होता है वहाँ पर जा रही हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बताइए कि आप मेकअप कैसे करती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता ही दूँ कि मैं कौन सा मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेकअप मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने फेस का पता है और मुझे मेकअप आता भी है। मैंने सैलून भी चलाया हुआ है, मेकअप सिखाया भी हुआ है, मेकअप सीखा भी हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पूरी चीज़ें नहीं है, मैं अभी किसी के घर मेहमान हूँ, किसी के क्या ज़ारा के घर मेहमान आई हूँ, तो मेरे पास अपनी पूरी चीज़ें नहीं है। हमारा एक मेकअप बैंड होता है, वो लगाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास मेकअप बैंड नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, ये वाली, ये एक हम लगाते हैं पोनी, ठीक है जी। इससे ज़रा फेस क्लियर हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ ये विटामिन ई ऑयल, ये देखें विटामिन ई ऑयल लगाया। ये इसलिए होता है ताकि ज़रा फेस जो है ना, मेरा ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन पे मैं ये ज़रूर लगाती हूँ सुबह और शाम। इससे होता है कि मेरी जो स्किन है वो खुद भी ऑटोमेटिकली शाइन करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ये लगाया और उसके बाद रात को काजल लगाया था, वो मिटा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिट गया, थोड़ा थोड़ा नहीं मिटा, खैर कोई बात नहीं, अभी काजल लगाना ही है मैंने। अच्छा जी, अब ये देखें, मेरे पास कंसीलर है, नार्स का भी है। अच्छा, मेकअप के बारे में मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हूँ, जहाँ से मुझे मेकअप सूट करे मैं ले लेती हूँ, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन, इंग्लैंड का, जो भी हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही महंगा या बहुत ही आलीशान मेकअप यूज़ करती हूँ। मैं मेकअप पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और जैसे कि ये नार्स की कंसीलर है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये जे डॉट का पसंद है, ये कंसीलर, ये बहुत ज़बरदस्त कंसीलर है। तो मैं भी ये लगाऊंगी, जे डॉट वाला, ये मेरा फेवरेट है, ख़त्म हो जाता है फिर मैं बार बार लेती हूँ। आप देखिए कि ये मैंने कंसीलर, और मेकअप जो ना मुझे हाथ से ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है, जो हाथ से ब्लेंडिंग होती है ना वो किसी चीज़ की नहीं होती। तो देखिए, ये जो मेरा दाना है इस पर मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, ये जो स्किन ख़राब हुई थी तो ये लगाया था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर भी ठीक हो गया। अच्छा जी, बेस जो है वो भी मैं पाकिस्तानी यूज़ करती हूँ, या मैं मिसबा, मुसरत मिसबा की, या फिर शाइस्ता लोधी, मुझे बहुत पसंद है, इनकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। ये दो शेड्स हैं, इसमें मैं दोनों शेड्स को अप्लाई करूँगी, लेकिन बहुत थोड़ा डालना है, एक एक कतरा, देख रहे हैं। और ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, बस बहुत हो, ठीक है। मैं ऐसे से अप्लाई करूँगी। अच्छा, गर्दन पे ज़रूर लगाना है, ये ना हो मुँह गोरा तो गर्दन काली, ये तो सही नहीं लगता ना। Thank you.
स्त्री नोज कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी नाक है पकौड़े जैसी तो मैं इसकी कंटूरिंग ज़रूर करती हूँ। ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्टिक जो है ना वो हम यूज़ करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में हम यूज़ करते हैं ये जो कंटूरिंग शेड होता है ना वो, क्योंकि ये फिर ना बह जाता है ना गर्मियों में। ठीक है जी। अच्छा जी इसके बाद हम करेंगे, देखिए ना मेरा ये मेकअप है कितना इजी वैसे, और आईब्रो पेंसिल मैं लगाती हूँ। बहुत सारे लोग शेड्स भी लगाते हैं लेकिन मैं आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ और मैं अपनी आईब्रोज़ खुद बनाती हूँ। मेरी आईब्रोज़ बहुत लाइट है, ये देखिए ना जब लाइट होती हैं और आपने उनको उठाना होता है तो आप इसको अच्छा देखिए ना, मैं आईब्रोज थ्रेड भी नहीं करती, थ्रेडिंग से भी मुझे डर लगता है, बहुत सुइयों से मुझे खौफ आता है। अच्छा जी ये हो गया। ओके मैंने करना है काम, बीच में कॉलें आ रही होती हैं मुसीबत खाना। लो जी हो गया। अब जनाब ये वाला जो शेड है ना ये है मेरे फेवरेट शेड्स, आमतौर पे मैं यही यूज़ करती हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर और इससे हम लगाएंगे ब्रश से इसको ये ब्राउन वाला शेड, क्योंकि मेरे कपड़ों का रंग ब्राउन है ना तो यही लगेगा। ऐसे थोड़ा सा गीला करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका ना, मुझे ये बहुत पसंद है शेड। आमतौर पर मैं अगर ड्रामा में भी लगाना हो ना तो ये न्यूट्रल सा शेड होता है ना, हर किसी के साथ चला जाता है। अच्छा यही शेड थोड़ा नीचे भी लगाते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप मैं नहीं करती हूँ और आई लैशेस भी बहुत कम लगाती हूँ, ना ही सोचे लगाती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है और मुश्किल लगता है आई लैशेस लगाना। और फिर ऐसे भी नहीं, मैं चाहती कि मेकअप के बाद लोग देख के मुझे डर जाएं कि असल में ये इतनी कोजी है और मेकअप से खूबसूरत बनी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ लाइनर। लाइनर मेरी फेवरेट चीज़ है लेकिन लाइनर मैं लगाती हूँ ज़रा मोटा और मैं लगाती हूँ ऐसे। देखिए मेरी आँख थोड़ी सी नीचे को है तो मैं इसको ऊपर लगाती हूँ यूँ और यहाँ से यूँ। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद इसको मैं
ऐसे भर लेती हूँ। लेकिन अब इस आंख में और इस आंख में फर्क है। तो मैं आपको एक आंख दिखाऊंगी, दूसरी आंख में दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि भाई देर हो रही है ना मुझे। और ये मैं मस्कारा आज भी लगाऊंगी, ठीक है? मस्कारा भी भर के लगाइएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, सबसे जो क्यूट मज़ेदार चीज़ है वो ये है, ये है शिमर, जिसको शाइनर भी कहते हैं आप लोग, जिसको क्या कहते हैं, एक और भी कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो मैं यहाँ लगाती हूँ, इससे शाइन आती है फेस पे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेकअप के लिए लाइट, और आप अगर डे लाइट में करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। डे लाइट में मेकअप करें ना तो बिल्कुल सही सेट बैठता है। अच्छा, अब रह गई लिपस्टिक लगाना। अच्छा, होंठ मेरे बारीक है तो मैं आउटलाइन लगाती हूँ। ठीक है, आउटलाइन लिपस्टिक से डार्क होनी चाहिए, जो आप कलर लगा रहे हैं ना उससे डार्क होनी चाहिए। मेरे कपड़ों का शेड आज ये वाला है तो मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी, मिटोला, देखिए पाकिस्तानी लिपस्टिक। कैसा लग रहा है? कॉन्टोरिंग देख ली आपने? अच्छा, इसको ब्लेंड करना ज़रूरी है, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाऊंगी। और अभी मैंने आपको बता दिया, ये काम देख लिया आपने, कॉन्टोरिंग देख लिया आपने, बेस देख लिया आपने, लिपस्टिक देख लिया आपने, आईब्रोज देख लिया आपने, अब आपने बाकी का खुद करना है। मैं आपको फाइनल पिक्चर भी अभी दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए।